हेलो गाइस, मैं हूं गाड़ी वाला और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ ग्रैंड विटारा जेटा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने ये ग्रैंड विटारा का जेटा मॉडल खड़ा है। ये स्मार्ट की आती है इसमें, और इसका जो एक्स शोरूम है वो आएगा अपना 14,96,000, और जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो हमें 17,50,000 पड़ेगा। और इस पर अभी बम्पर ऑफर भी चल रहा है, और आप मेरे थ्रू आएंगे तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और चलिए आप देखते हैं इस गाड़ी का रिव्यू, वॉक अराउंड। और ये गाड़ी लोगों ने, जो मैंने अभी अपना पोल डाला था उसमें लोगों ने बोला है कि इस गाड़ी के ऊपर रिव्यू बनाओ, तो मैं पब्लिक डिमांड पे लेके आया हूँ। ये अपना जेटा में सीएनजी मॉडल आएगा, पेट्रोल और डीजल का भी मैं बनाऊँगा, लेकिन ये अभी हमारे पास अवेलेबल सीएनजी मॉडल है। सीएनजी मॉडल काफ़ी चल रहा है इस टाइम पर, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। और चलिए हम शुरू करते हैं इसके फ्रंट से, देन साइड व्यू, एंड देन हम इंटीरियर और अपना पूरा कंप्लीट करते हैं वीडियो को। ये हमारा फ्रंट व्यू आएगा जिसमें अपना ग्रिल रहेगी मारुति की, और ये अपना मारुति सुजुकी का लोगो रहेगा जो कि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये अपने IRVM आएंगे, ये अपना हेडलैम्प आएगा जो कि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, सिंगल हेडलैम्प, काफ़ी पावरफुल है इसकी लाइट का, नो डाउट। इसका जो पुराना वाला अर्बन क्रूजर मॉडल आता था जो अपने ब्रेजा के नाम से मारुति में बेचते थे पहले, वो मॉडल मेरे पास है जिसके मैंने डाल रखा है वीडियो में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाके आई बटन पर टैप करके आप ऊपर से उधर देख सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में आप बोलेंगे तो। और ये जो देख पा रहे हैं हम, ये अपना इसका टायर साइज़ रहेगा। ये टायर अपना अपना जेटा मॉडल में अलॉय व्हील्स आएंगे, और टायर साइज़ अपना इसमें रहेगा R17 इंच 215/60, क्योंकि ये काफ़ी बड़े टायर हैं। और ये अपना साइड व्यू आएगा, साइड व्यू आया फोल्डिंग IRVM रहेंगे इसमें, और ये अपना फ्यूल लिड रहेगा लेफ्ट साइड में। और ये अपना साइड लुक आता है अपने ग्रैंड विटारा जेटा, क्योंकि आप पूरा देख पा रहे होंगे। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अंदर से इंटीरियर से दिखाते हैं आपको क्या हमें इंटीरियर से फंक्शंस मिलेंगे वीडियो में, गाड़ी में सॉरी। और गाड़ी को अनलॉक करते हैं। इसमें स्मार्ट की आती है, इसमें ऑटोमेटिकली की आएगी, ये सिर्फ दो लॉक एंड अनलॉक के फंक्शन होंगे। देखिए हम अनलॉक कर लेते हैं गाड़ी को, और ये रहेगा यार क्या प्रीमियम इंटीरियर है इस गाड़ी का, नो डाउट यार। देखो ना आप कितना सही लग रहा है, लाइक नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इस गाड़ी की। और ये आप देख पा रहे होंगे गाड़ी, और अंदर से देखते हैं, ये देखिए लाइक बाहर कितनी नॉइस थी यार, लाइक पूरा कैबिन क्रू एकदम बिल्कुल शांत, एकदम साइलेंट हो गया है। और यार नो डाउट एक फ्यूचरिस्टिक लुक तो है इस गाड़ी में, कहना पड़ेगा यार, मारुति की नो डाउट तारीफ तो बनती है। लाइक इनने दिया है यार, पैसा ले रहे हैं यार, 17,00,000 रुपए ले रहे हैं, तो यार चीज़ तो दे रहे हैं यार, धांसू एकदम बिल्कुल क्वालिटी वाली। और चलिए देखते हैं हम, ये अपना स्टेयरिंग आएगी, और ये अपना ऑन कर लेते हैं पावर ऑन बटन, डबल टैप में ही ऑन हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक एयर फोल्डिंग IRVM आएंगे, और स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये। फैन की स्पीड स्लो कर देते हैं, और ये मारुति सुजुकी का लोगो। और एक चीज़ इनने नहीं दी है यार, ये लास्ट टाइम से आपने देखा होगा, ये एक वेलकम साउंड भी देते हैं गाड़ी जब अपन ऑन करते हैं उस टाइम पे। और ये अपना व्हीकल इन्फो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो क्लॉक, म्यूजिक सेटिंग्स, जो अपने इंफोटेनमेंट, स्क्रीन भी इसकी काफ़ी बड़ी है यार, लाइक पुरानी वाली ब्रेजा से काफ़ी बड़ी स्क्रीन है इसकी। और ये अपना इधर आएगा इमरजेंसी स्विच, और ये अपना एसी वेंट्स वगैरह रहेंगे दोनों। ये अपने पूरे एसी के कंट्रोल्स रहेंगे, फ्रंट रियर, इधर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड ऑल। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का जो इस साइड देते थे, और ये इस साइड दिया है इस बार, यहाँ पे फीचर ये चेंज कर दिए हैं। और ये अपना 12 वोल्ट का सॉकेट आएगा इधर पे, छोटू सा सॉकेट है ये। और इधर अपना USB-C आएगा, जो पुरानी वाली USB, इसमें टाइप सी मिसिंग रहेगा। और इधर पे अपना आप फोन रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है इधर पे। ये अपनी गियर नॉब आएगी, ये अपना आर्म रेस्ट रहेगा, आर्म रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इनका, नो डाउट। थोड़ा स्लाइडेबल आर्म रेस्ट रहेगा अपना, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी स्पेसियस है ये। और इसमें आप थोड़ा सा स्पेस भी दे रखा है आर्म रेस्ट में भी हमें, हम लाइट ऑन करके देख लेते हैं, ये आर्म रेस्ट में भी स्पेस है। और ये स्लाइडेबल रहेगा, बॉक्स रहेगा, बस में चार्जर की कमी रहेगी, चार्जर नहीं है इसमें। और ये अपना थोड़ा सा स्पेस बॉटल होल्डर, यहाँ पर थोड़ा आप और कुछ रख सकते हैं, हैंड ब्रेक आएगा। और ये अपना एसी वेंट्स रहेंगे इस साइड में, ये अपना एयरबैग, और ये अपना ग्लव बॉक्स रहेगा, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है, ये अपना ब्रेजा बराबर ही बोलूँगा मैं, ग्लव बॉक्स बड़ा है इसका।
और क्वालिटी भी अच्छी है। एक बात है, जब मैंने गाड़ी ओपन की थी तो यार गेट में जो फील आया ना इसको, गेट है जो अपना, गेट की क्वालिटी तो है यार नो डाउट, ऑन करते ही एकदम अलग ही फील दिया यार गाड़ी ने। और ये अपना अदर इधर आप ये जो देख पा रहे होंगे फ्यूल एंड सीएनजी चेंज करने का है, ये आप दोनों मोड पे चला सकते हैं इस गाड़ी को। आप अगर आपका सीएनजी ख़त्म होता है तो आप फ्यूल पे शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट फ्यूल ख़त्म होता है तो आप सीएनजी पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये अपना आएगा इसका, ये अपना दिया रखा है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे आप अपना डिस्प्ले, स्पीडोमीटर रहेगा, आरपीएम मीटर रहेगा, और ये अपना एसी वेंट्स रहेगी साइड में भी, और ये अपनी लाइट्स आएंगी ऊपर जिसमें सनग्लास होल्डर भी रहेगा। ये तो अपना पुराना अर्बन क्रूजर और ब्रेजा वाला ही है, वही फील है ये पूरा, एकदम वही सेम चीज़ रख दी इनने यहाँ पे। दो लाइट्स रहेंगी ये, अपन लाइट्स को सिंगल इंडिविजुअल भी जला सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी जला सकते हैं। ये अपना सनशेड आएगा जो कि ये वैनिटी मिरर के साथ में आएगा, विद लाइट आएगा ये वाला, और जो काफ़ी प्रीमियम टच देता है गाड़ी को। ये अपना साइड में होल्डर आएगा, और ये अपना इस साइड भी, यार इस साइड भी इनने विथ लाइट सनग्लास वैनिटी सनग्लास होल्डर दिया जो कि वैनिटी मिरर के साथ दे रखा है। ये ऑटोमेटिक आयर भी हम आएंगे अपने, रात में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, जैसे हम ऑटो पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रात में आपको ये व्यू चेंज कर देगा आपका, और आपकी आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी पीछे वाली गाड़ी की। ये सीएनजी मॉडल है, और ये अपनी एडजस्टेबल जो अपनी है एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आएंगी, और ये अपना आर्मर सीट की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है नो डाउट, कंफर्टेबल है यार, कंफर्टेबिलिटी सीट में है जो कि ये कुशन दे रखा है इनने, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रखा है ना बैक सपोर्ट के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। और अपना जो हेडरूम देख लेते हैं, तो हेडरूम भी काफ़ी, यार मेरी 6 फीट हाइट है और अभी मेरे को कम से कम 5-6 फीट का 5-6 इंच का अंतर है मेरे, देखिए पूरा हाथ है मेरा पूरा, बहुत अंतर दे रखा है हेडरूम में स्पेस में। और ये अपना रहेगा अपना साइड में, इधर कंट्रोल्स रहेंगे सारे विंडो कंट्रोल्स, और ये ऑटोमेटिकली विंडो कंट्रोल्स रहेगा। इस साइड में अपना चाइल्ड लॉक, विंडो लॉक, और ये अपना जो साइड मिरर्स हैं इनके कंट्रोल्स रहेंगे शिफ्ट करने के लिए। और चलिए अब हम पीछे से देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्रूज़ भी है, क्रूज़ भी दे रखा है इनने, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की कार है। इधर कॉल कनेक्टिविटी के फंक्शंस, कॉल डिसकनेक्ट कनेक्ट, और ये वॉइस ऑटो कनेक्ट का फंक्शन। इस साइड ये अपना वॉल्यूम अप डाउन रहेगा, ये अपना क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है। और चलिए अब हम पीछे से देखते हैं कि पीछे से हमें क्या कंफर्टेबिलिटी और क्या सीट कैसी मिलेगी, सब देख लेते हैं। और गाड़ी को पीछे से लॉक कर लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, लाइक स्पेस तो है यार नो डाउट। और पीछे भी एक चीज़ अच्छी बात है, ये पीछे भी एसी वेंट्स दे रखा है इनने, पीछे भी एसी वेंट आएगा अपना। इधर आप चार्जिंग के लिए आपको 2 सॉकेट मिलेंगे, और एक अपना पुराना वाला टाइप सी है, और एक अपना नया वाला यूएसबी सी आएगा। दो एसी वेंट्स मिल जाएंगे हमें। सीट भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, बीच में हमें यहाँ भी बैक साइड भी आर्म रेस्ट मिलेगा, ये हुक दे रखा है इन्होंने किस चीज़ टांगने के लिए। और इधर पे आप सीट बेल्ट मिलेंगे हमें, और ये 3-5 पैसेंजर कार है तो आप तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट आ जाएगा हमें, और ये आर्म रेस्ट रहेगा जो कि एडजस्टेबल है, और तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट मिलेगा। और ये बगल में इस साइड भी रीडिंग लाइट दे रखी है, एक साइड में लेफ्ट पीछे साइड भी, और ये अपना होल्डर, और इस साइड भी रीडिंग लाइट दे रखी है। ये बात तो कहनी पड़ी कि प्रीमियम क्लास गाड़ी में देते तो हैं यार, पैसा लिया है यार भाई तो देंगे ना। और 6 एयरबैग आएंगे इसमें, और ये अपना एडजस्टेबल सीट बेल्ट, और ये अपना एडजस्टेबल अपना ये विंडो कंट्रोल्स, इस साइड गेट लॉक लॉक, और ये अपना बॉटल होल्डर वगैरह आएगा। इधर स्पीकर्स आएंगे, और इधर भी स्पीकर्स दे रखे हैं इस साइड भी, और वही सेम चीज़ रहेगी होल्डर वगैरह। और इधर ये बूट स्पेस देख लेते हैं हम, ये ट्रे है जो एडजस्टेबल, पीछे से ही उठा सकते हैं हम इसको, आगे से नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। और चलिए, और एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा है कि ये देख पा रहे होंगे आप, विंडोज़ भी एक्स्ट्रा दे रखे, इससे लेंथ बढ़ जाती है और इसका एक अलग एक क्लासी लुक दे देता है गाड़ी को। और हम चलिए बूट स्पेस देख लेते हैं कि बूट स्पेस कितना कुछ दे रखा है हमें ग्रैंड विटेरा जेटा सीएनजी मॉडल में। हम बूट स्पेस अनलॉक करके देख लेते हैं। और सीट की, इसकी एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, सीट कंफर्टेबिलिटी तो है यार, जो इजी टू सिट में है ना इसमें, कि आप इजी बैठ सकते हैं गाड़ी में, लाइक आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप कहीं फंस गए हैं। लाइक ये देख पा रहे होंगे आप हेडरूम मेरा, आप लाइक इजी टू, आप बाहर देखिए कितनी इजी फीलिंग में उतर गया हूँ, कितनी मेरी हाइट में नॉर्मल गाड़ी में बैठने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट इसमें मैं बहुत ईजीली अंदर बैठ सकता हूँ, अंदर आ सकता, बाहर आ सकता हूँ। और चलिए बूट स्पेस देखते हैं हम,
बूट स्पेस अनलॉक कर लेते हैं। ये अपना रहेगा बूट स्पेस, ये एक्चुअली सीएनजी मॉडल है, तो यहाँ पे ये टैंक दे रखा है सीएनजी का, इधर आप देख पा रहे होंगे ये सीएनजी फिटिंग आएगी कंपनी की साइड से। और ये अपना लाइट आएगी जो कि मैनुअली है, और ये अपनी 12 वोल्ट का सॉकेट आएगा। इधर स्पेस दे रखा है, कुछ आप रख सकते हैं सामान वगैरह नीचे। और ये अपना इधर हुक आएगा एक साइड में, और ये सीएनजी का ये लीवर चेक करने के लिए कि आप सिलेंडर क्या गैस वगैरह के लिए। और इस साइड में नीचे ये अपने जैक वगैरह और जो अपने इमरजेंसी लाइक पार्किंग में आप लगा सकते हैं वो चीज़ें दे रखी हैं, एक्सेसरीज वगैरह यहाँ रहेंगी। और जो इसका एक्स्ट्रा व्हील है वो अपन को नीचे दे रखा है, हमें एक्स्ट्रा व्हील यहाँ से रहेगा, वो आप इधर से खोल के आप हटा सकते हैं, यहाँ से रहेगा इसका फंक्शन। ये दे रखा है यहाँ से, आप बोल्ट ये लूज़ करके और निकाल सकते हैं अपना स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील नॉर्मल वाला आएगा, बाकी हमें चारों व्हील अपने अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और 17 इंच के बड़े टायर दे रखे हैं यार गाड़ी में, नो डाउट, इस चीज़ को अलग ही बोलना पड़ेगा यार। और ये अपना बूट स्पेस लॉक कर देते हैं, और चलिए बोनट ओपन करके देख लेते हैं कि इंजन में क्या कुछ रहेगा। और बोनट ओपन एज यूजुअल यहाँ पर रहेगा, बोनट ओपन और फील्डेड। और यहाँ से हम बोनट ओपन कर लेते हैं। यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, मारुति ने अपने लोहे में यार लगाया है यार कुछ तो, लाइक इतना बोनट इतना हैवी है ना यार, एक हाथ से उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये हैरियर बराबर लग रहा है मुझे वेट इस बोनट का, और ये हैरियर सेगमेंट के कंपैरिजन में ही आती है कार। ये आप देख पा रहे होंगे इंजन, ये अपना इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये अपना फ्यूज बॉक्स, बैटरी, कूलेंट, और ये अपना इंजन रहेगा। स्पेक्स में इसका स्पेक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये अपना वाइटर वाइपर वाटर आएगा, और ये आप देख पा रहे होंगे सारे पूरा खुला इंजन है, एकदम क्लासी फील देता है यार गाड़ी। और इसका जो ड्राइव इंप्रेशन है ना यार, नो डाउट इस गाड़ी को एक अलग ही फ्यूचरिस्टिक लुक दे देता है। लाइक गाड़ी को चलाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप छोटी मोटी गाड़ी में बैठे हो यार, आपने पैसा खर्च किया है तो लगेगा कि यार गाड़ी ली है यार गाड़ी तो। और इस गाड़ी में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मैं इस गाड़ी पर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और आप बताइए कि मैं इस गाड़ी पे दूसरी वीडियो किस चीज़ से देखना चाहेंगे, आप कमेंट्स कीजिए बताइए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप जाके अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ के शोरूम के अपने जो एजेंट है उनका, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के वीडियो। और लाइक देख पा रहे होंगे आप, ये रहेगा हमारी ग्रैंड विटेरा जेटा सीएनजी मॉडल का वॉक अराउंड रिव्यू, और इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ बताया मैंने इसमें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाड़ी वाला को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच आपका। और कीप सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। जय श्री राम।